तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सीजनल बोलते हैं। सीजन कौन सा है अभी? मैंगो। ओके मैंगो मतलब समर। हाँ। नहीं जब तक टीवी के हर एडवर्टाइजमेंट और हर चैनल पे जो तेज आती गर्मी सुनाई नहीं देता ना, सोचना भी मत कि समर आया, क्योंकि हमसे ज्यादा तो उनको मालूम होता है ना। मुझे ना कभी कभी लगता है जो हवामान खाते से ज्यादा तो इनको मालूम होता है, मतलब ठंडी का सीजन आया नहीं, जॉय लैक में बॉडी लोशन सबको पता चल जाता है ठंडी आई है। और वो हाँ दिवाली में हमारे यहाँ 15 दिन पहले अलार्म का आ जाते उठाओ सकाई डाली मोती नाना जी बैठ डाली। और वो क्या है अजय देवगन का बोलो सुबह केसरी विमल। और ये एडवर्टाइजमेंट वालों का विमल वालों का ये कहना है कि वो गुटका नहीं ये पान मसाला है, मेरे को तो पता ही नहीं था। और उनका टैगलाइन क्या है दाने दाने में केसर का ₹2 में। अरे केसर ऐसी चीज है ना जिसको सूंघने में भी ₹200 लग जाते हैं। मैंने खुद बंगाली मिठाई के अलावा खुद केसर को छुआ तक नहीं है और ये ₹2 में बांटेंगे दाने दाने में केसर का। आई वॉज थिंकिंग अगर ये केसर कोई सस्ता वाला केसर समझ के खीर में डाल देना तो सूर्य मुझे भी खीरा लगे खीर से भी ज्यादा जहरीला हो जाएगा। तो क्या बात कर रही थी मैं सीजन, तो फिलहाल सीजन है एग्जाम्स का, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का। बोर्ड एग्जाम्स सबको अभी सबने 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम की होगी तो सबको मालूम है बहुत ज्यादा दहशत होती है। मतलब मुझे खुद डर नहीं लगा था लेकिन पेरेंट्स और रिलेटिव्स बहुत डरा के लगते, मतलब ऐसा बोलते ना खौफ खौफ दिखाते हैं बोर्ड एग्जाम है पढ़ाई करो बोर्ड एग्जाम है। और सच बताओ जब मैंने खुद एग्जाम दी ना दोनों एकदम चिल्लू एग्जाम थी लिटरली माँ कसम। यहाँ पे अगर कोई बोर्ड एग्जाम वाले पेरेंट्स हो ना बच्चों के तो मेरे को अंदर से गालियां दे रहे होंगे पहले ही बिगाड़ के रखे हमारे बच्चों को। तो ये होता है बोर्ड एग्जाम का, पता है क्या होता है पेरेंट्स लोग हमेशा फोर्स करेंगे पढ़ाई करो माँ है ना हमेशा चिल्ला के भाई पढ़ाई करो पापा वैसे नहीं पापा डायरेक्टली नहीं वो इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं इनडायरेक्टली बोलेंगे मतलब मैं टीवी देख रही हूँ पापा आ जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स लोग का क्या होता है पता है जब तक ये दिन से 8 से 10 बार टोक ना देना बच्चे को इनको लगता नहीं कि इन्होंने फर्ज निभाया पेरेंट्स होने का हमेशा टोकेंगे हर बात पे टोकेंगे। मैं टीवी देख रही हूँ पापा आएंगे अच्छा क्या फिर टीवी देख रही है हाँ पापा टीवी देख रही हूँ होमवर्क हो गया हाँ पापा कर लिया एग्जाम कब है मेरी बेटा पापा अभी 2 महीने बाकी अच्छा तो फिर एग्जाम के दिन ही पढ़ना है तुमने अभी पढ़ाई नहीं करनी है। और अगर ये सब इग्नोर करके आप कंटिन्यू कर ही रहे हो टीवी देख रहे हो उनका मन तो भरता नहीं ना उनको तो उठाना ही होता है वहां से। हाँ कौन सा मूवी लगा है तेजा अच्छा तो इस बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन श्रीदेवी पे भी आ रहे हैं वाह पापा रिमोट पकड़ मैं जा रही हूँ हमेशा। और ये ध्यान रख के 12वीं कर ले बस 12वीं के एग्जाम दे दे जिंदगी में सेटेड हूँ और कुछ मत करना। मुझे ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी कि सच में अगर ये ना फोर्स करे 12वीं करने के बाद मैं बाहर खड़ी हूँ रिजल्ट लेके आई हूँ एजेंट और सेक्रेटरी खड़े से हेडफोन लगा के मैम आई है 12वीं पास हो गए ना यहाँ पे जा रही हूँ आपको कितने 90+ है ये लो आपकी मर्सिडीज बेंज खड़ी है अच्छा थैंक यू अरे आपको 95 के ऊपर है आपके लिए तो लैम्बोर्गिनी भेजिए आप 80 से 70 में 80 से क्या वो 70 तक है ठीक है आपके लिए वही कोई मारुति भेजिए। और पिट्टू तेरे कितने 35% है ये तेरे लिए ना सीबीएसई बोर्ड ने पानीपत का ठेला भेजा तो सेट है भाई ये कैसे भी मैं सो जाता है। और पापा मतलब पेरेंट्स को क्या होता है हम जाके पूछते पापा सुनो ना हम सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं नहीं अगर तेरे फ्रेंड्स जाए तो तुझे क्यों जाना है पापा प्लीज भेजो ना सारे फ्रेंड्स जा रहे उनका घटिया फिल्मी डायलॉग हमारे जमाने अगर वो तो होता ही है। और हाँ ये सही बात थी हमारे जमाने में मतलब इनका क्या होता है पता है बेटा तुम्हें तो बहुत कुछ मिल रहा है हमारे जमाने में तो हम चल के जाते थे 7 से 8 किलोमीटर चल के जाते हैं। और आप लोग ना अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके देखो सबके जो स्कूल होते ना नदी के पार ही होते थे इनको नदी पार करके जाने पड़ते मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इनको मैं गवर्नमेंट वाले कभी जगह नहीं देते कि स्कूल बंद है नहीं आयरलैंड जाके तुम लोग हम आयरलैंड पे ही जगह देंगे आपको स्कूल बनने के लिए। एक तो नदी होनी चाहिए 10 किलोमीटर लॉन्ग रास्ता होना चाहिए
हो सके तो बीच में मगरमच्छ भी छोड़ देना और टफ होना चाहिए. इनके पास चप्पल तो कभी थी नहीं, चप्पल तो कभी मिली नहीं, हम तो बिना चप्पल के जाते थे स्कूल में हमेशा की तरह. पापा भेजते नहीं, पापा प्लीज भेज दो फ्रेंड्स जा रहे. अगर तेरे फ्रेंड्स कुएं में कूद गए तो क्या तू भी कूदेगी? अगर तेरे फ्रेंड ने सुसाइड कर ली तू भी करेगी? ये क्या बाया चीजें भाई. पापा मैं बीएमएस की स्टूडेंट है, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं तो ये आईआईटी आईएम के स्टूडेंट हूं जो एक रैंक की वजह से सुसाइड कर लूं. हमेशा की तरह हो जाता है. और दूसरी बात, स्कूल में सबका एक सब्जेक्ट होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता. कौन सा? मैथमेटिक्स. एग्जैक्टली, मुझे भी मैथ्स बिल्कुल पसंद होता. मतलब कभी कभी ना टीचर सिखाते ना मुझे गुस्सा होता, खुद को समझ में आता क्या सिखा रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आता. और सबसे दो हायर सब्जेक्ट, एक तो ड्रॉइंग, दूसरा क्राफ्ट. ड्रॉइंग के बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन क्राफ्ट में क्या होता है, पता है? पहला जो एक घंटा होता है ना आप ड्रॉइंग ही निकालते हो, और बचा हुआ जो आधा घंटा होता है आप चिपका रहे हो मसूर की दाल, तुअर की दाल, पेंसिल के छिलके, पिस्ते के छिलके, और कुछ बचा होता है तो कभी कभी तुम सब्जियां भी मंगवाते थे भाई, आलू, भिंडी, वो जो मटर नहीं, प्याज, कभी कभी तो पोछे का टुकड़ा भी टिन करने के लिए वो कलर में डुबा के. सब क्या होता है और ऊपर से क्या बोलेंगे पता है? वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. अरे काहे का वेस्ट, आधा घंटा बैठ के दो पेंसिल छील छील के जान पूछ कर वेस्ट बनाने को बोला, मेरे को बोलते वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. मैं भाई आप सब्जेक्ट सिखाते मुझे ना कभी कभी लगता है टीचर लोगों को कुछ काम धंधा होता नहीं है. ये टीचर से याद है, वैसे एक सीक्रेट बताऊं, ऐसा याद वगैरह कुछ आता नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी खुद स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो ये हो जाता है. तो टीचर की भी कैटेगरीज होती है, अच्छा टीचर, बुरा टीचर, कुछ अच्छे टीचर. तो अच्छा टीचर कौन होता है जो आपको सिखाता है बच्चों कॉपी बिल्कुल मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना और आगे जाना, खुद पढ़ाई करके आगे जाना. लेकिन बहुत ज्यादा और उससे भी अच्छा टीचर कौन होता है पता है? जो आपको एग्जाम के टाइम में बोलता है चलो चलो बच्चों एक काम करो जल्दी जल्दी जिस किसी ने भी कॉपी आने मेरे पास दे दो, क्योंकि अभी अभी फोन आया था बड़े सुपरवाइजर आए चेकिंग के लिए. बहुत अच्छा टीचर है ना. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हम लोग चिप्स तो दे देते, उसके बाद ये जो भी प्रोफेसर होता है जाके बैठता है कुर्सी पे और शाकाल की तरह करके बोलता है अच्छा कोई सुपरवाइजर नहीं आने वाला, खुद अपना पेपर लिख. इसको बोलते हैं अच्छा टीचर, बहुत अच्छा टीचर. मतलब इन लोगों के पता नहीं कुछ खानदानी दुश्मनी होती है हमसे हमेशा. और अगर क्लास में कोई टीचर है आपने होमवर्क नहीं किया है, आएंगे होमवर्क क्यों नहीं किया तूने, आप कुछ बोलते नहीं हो. उसके बाद सीक्वेंस चेंज होता है. हाँ हमारे रीजंस तो होते ही रेडी सीक्वेंस चेंज करके. अगर आप कुछ बोलते नहीं हो ना क्यों नहीं किया तूने होमवर्क, उसके आगे में कुछ बोलते हो फिर से और एक वेरिएशन आता है होमवर्क नहीं किया क्यों तूने. सारे वेरिएशन में पता नहीं चलता. अगर ठीक से पूछना है तो ठीक से पूछो ना, ये क्रियापद नाम सर्वनाम बदल के क्या होता है, हाँ क्यों सीक्वेंस चेंज कर रहे हो. और ये सब अगर इग्नोर करके आप बोल देते हो टीचर सॉरी वो मैं भूल गई, खाना खाना तो नहीं भूलती तू, सांस लेना तो नहीं भूलती तू. हमारे जमाने में उतना होता नहीं था लेकिन अब भी एक ऐड हो जाते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करना तो नहीं भूलती तू. क्या दुश्मनी है. और पता है सबको याद होगा स्कूल में उनके पास एक स्केल रहती थी, वुडन स्केल होती थी टीचर के पास स्पेशल येलो कलर की. हाँ किसी को याद है उन्होंने कभी लाइन ड्रॉ करने के लिए वो यूज तक की है? नहीं, no. ये तो हम जैसे कमीनों के लिए लाइन पे लाने के लिए यूज की जाती है. सटासट मार देते ये होते हैं टीचर. एग्जाम्स का क्या होता है बताए क्या? घर पे टेंशन कम होता है लेकिन बाहर वालों का टेंशन ज्यादा होता है. और मेरे माँ बाप ने उतनी तो कभी फोर्स की नहीं थी कि पढ़ाई करो वगैरह नहीं, लेकिन रिलेटिव्स मतलब लोग कहते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन बाहर दुनिया से है. नो, हमारा कंपटीशन हमारे रिलेटिव्स के और नेबर्स के बच्चों के साथ होता है, उसको इतने परसेंट है हमको कम है वगैरह वगैरह. मतलब मैं खेल रही हूँ कुछ भी घर पे कुछ टाइम पास कर रही हूँ, कोई आंटी चाची मौसी कोई आ जाता है, क्या बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? नहीं आंटी अभी टाइम है. अरे अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं की आंटी, अभी दो महीने बाकी, मैं आराम से कर लेती हूँ पढ़ाई. माँ बोलते रहने दो उसका मन करते तो पढ़ लेगी. हे भगवान अभी तो स्टार्ट नहीं की, मेरी बच्ची की तो दो दो कोचिंग क्लास है, स्कूल के बाद दो कोचिंग क्लास करती है, उसके बाद टाइकोंडो की क्लास भी जाती है. मैं तो मन मन बोलती हूँ मुझे तो पहले से पता था आपकी
कि आपकी तरह डफर ही है, हर कोई मेरे से इंटेलिजेंट थोड़ी पैदा होता है यार। छोड़ दो सब्जेक्ट, चलो रिजल्ट आता है। रिजल्ट में बच्ची को उनके पढ़ते 68%, मुझे आए थे 84%। मैंने बोला था मैं पैदा ही इंटेलिजेंट हुई थी, आई वॉज हैप्पी। 84% नॉट बैड, लेकिन पेरेंट्स 84, बट 90 क्रॉस कर रही थी तो अच्छा हो जाता। क्या हो जाता? आप पर मुझे लंदन भेजवाने वाले थे अगली पढ़ाई के लिए, लंदन भेजने वाले हो या फिर आपकी टाइट कॉलर यहाँ से सर तक आ जाएंगी? क्यों नहीं कालू मैं 90 क्रॉस, मुझे नहीं करना है, हमेशा की तरह होता है। और पता है बात आती है स्टडीज पे, स्टडीज का क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर कोई लोग होगे ना, मैं उनको सजेस्ट कर दूँ गलती से भी अपने बच्चों को ना ग्रुप स्टडी पे मत भेजना, ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। ग्रुप स्टडी में बैठते हो, ग्रुप स्टडीज कर रहे हो, आधे से ज्यादा इसमें जाते, पता है तेरा कितना हुआ, तेरा कितना चल रहा है, तेरा दूसरा क्या, अरे वो तीसरा हुआ मुझे याद नहीं, मुझे बताना। और यहाँ पे एक सारा ठरकी ऐसा आ जाता है ना, ये तो यूट्यूब पे वीडियो चेक के लेते बनाया है, ओके ओके मूवी का ट्रेलर, आपका सत्यानाश वहीं पे फिक्स है, हो गया आपका। हमेशा की तरह आपके क्लास में ना हमेशा एक कोई बंदा होता है हाइटेड बहुत ज्यादा, क्यों पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे 4 से 5 साल बड़ा होता है लेकिन फेल होके आपकी क्लास में आ जाता है, और उसको ना घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीचर कुछ भी बोले मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीचर पनिशमेंट देते हैं बेंच पे खड़े हो जा, ये बंदा बेंच पे खड़ा होता है और ऑलरेडी इस क्लास से ऊपर की क्लास अटेंड कर रहा है, इतना ऊंचा बोल जाता है। और टॉपर्स, टॉपर्स कैसे होते रहते हैं, आप एग्जाम के दिन जाके पूछो टॉपर को किसी, यार तेरी पढ़ाई हो गई? नहीं यार, वो मेरे बेटे, मेरे चाचा की मौसी के लड़के के बेटे का जो कोई पिट्टू था ना, उसका हैप्पी बर्थडे था ना कल, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के लिए, मेरे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। वो क्या हुआ पता है, मैं ना कल थोड़ी सी बीमार थी, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, और जब ये पेपर लिखने बैठते हैं ना तब मेरे को समझ में आता है कि सुबह सुबह छूटा हुआ नहीं इसने मेरे को, सुबह सुबह मतलब पता नहीं, पेपर लिखने बैठेंगे 10 दिशाओं से ऐसे हार्ट करके ऐसा पेपर लिखेंगे, और अगर आप हिलाते हो ना यार कुछ तो बता दे, आप बता दे, ऐसा गुस्से से देखेंगे जैसे इनकी माँ का हाथ पकड़ लिया, गलती से भी नहीं बताएंगे। और सप्लीमेंट, सप्लीमेंट तो इतने लेते जैसे इनके लिए रिजर्व रखी हो, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट, हमेशा की तरह होता है। तो एनीवे थैंक यू, आज के लिए इतना ही।